तो अन्ना हजारे ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ 9 अगस्त को आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। 9 अगस्त से अन्ना हजारे आंदोलन करेंगे महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ। महाराष्ट्र में लोकायुक्त कानून बनाने की मांग को लेकर अन्ना हजारे ये आंदोलन करेंगे, जहां उनका कहना है कि देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में भी मैंने यही मांग की थी, उन्होंने उस वक्त मुझे विश्वास जताया था, उन्होंने उस वक्त मुझे कहा था, आश्वासन दिया था कि हम लोकायुक्त कानून लाएंगे, लोगों के हित के लिए ये कानून आएगा, लेकिन तब भी ऐसा नहीं हुआ और अब भी ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए अन्ना हजारे ने अब साफ तौर पर कह दिया है कि 9 अगस्त से वो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ अलग अलग जगहों पर आंदोलन करेंगे। 35 जिले और 200 तहसील में वो अपने समर्थकों के साथ आंदोलन करेंगे। पिछली बार भी अन्ना हजारे ने 2011 में आंदोलन किया था, जहां 10 दिन के बाद उनका जो आंदोलन था वो टूटा था। और एक बार फिर अन्ना हजारे ने कुछ दिनों पहले भी ऐसा ऐलान किया था कि वो आंदोलन करने वाले हैं, लेकिन उसे बीच में ही स्थगित कर दिया गया था कुछ कारणों की वजह से। और इसके बाद अब एक बार फिर अन्ना हजारे ने अपने समर्थकों के साथ आंदोलन करने का ऐलान किया है। 9 अगस्त से महाराष्ट्र के कई जिलों में यह आंदोलन होगा। 35 जिलों और 200 तहसील में यह आंदोलन होगा। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि आपने वादा किया था कि लोकायुक्त कानून लाया जाएगा महाराष्ट्र में, और मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, आपको 12 बार अब तक पत्र लिखा है, लेकिन उस पर मुझे अब तक किसी भी तरह का जवाब नहीं मिला। और जनता की हित के लिए अब मैं मैदान में उतरूंगा और मैं आंदोलन करूंगा। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश, शाहरुख खान के बेटे आरिफ खान गिरफ्तार, भारत सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री, खबरों का शहंशाह, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।